कोलकाता इवेंट के बाद ये टॉपिक सुर्खियों में है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे क्राइम्स होते क्यों हैं? एंड द आंसर इतना ऑब्वियस नहीं है, और ये आंसर नॉट ऑल मेन से जुड़ा हुआ है। 2018 के नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के हिसाब से हर 15 मिनट में एक रेप केस भारत में रिकॉर्ड होता है, और ऐसे में ओपिनियंस सब दे रहे हैं, जिसमें स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लाइक नॉट ऑल मेन भी निकल के सामने आता है। अनफॉर्चुनेटली जैसे ज्यादातर टॉपिक्स पे डिस्कशन होता है, यहाँ पे भी सुपरफिशियल लेवल पे ही डिस्कशन हो रहा है। डीप एंड क्रिटिकल थिंकिंग की कमी है जो हमें सत्य से दूर रखा हुआ है। तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को बहुत बारीकी से एनालाइज करने वाला हूँ विद डेटा, लॉजिक एंड रिसर्च। जो यहाँ के रेगुलर व्यूअर्स है वो मुझे पता है मैच्योर है, इन डेप्थ एनालिसिस देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप नए हैं तो फेयर वार्निंग कि यहाँ पे सुपरफिशियल लेवल पे हम डिस्कशन नहीं करते हैं, तो इसके लिए दिमाग खोल के वीडियो देखिएगा। और बहुत चांसेस है कि कुछ लोग ये वीडियो देख के ऑफेंड भी हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिएगा कि ये वीडियो आपके ऊपर ही बना है। लास्ट वीकेंड ही मैं प्रोटेस्ट में गया था, और एक चीज जहां पे ये प्रोटेस्ट डेफिनेटली हेल्प करते हैं वो ये कि लोगों की नजर रहती है इन केसेस पे, तो इन केसेस का खुलासा होता है और स्पेसिफिक केसेस में जस्टिस सर्व होने में आसानी रहती है। एंड ऑफ कोर्स जो विक्टिम्स के रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको हौसला मिलता है कि देश एक साथ खड़ा है। लेकिन एक चीज जो ऐसे सिचुएशंस में बहुत गलत होता है वो है नॉट ऑल मेन वाले अंडरटोन के मैसेजेस। एक फॉल्स डाइकोटोमी क्रिएट हो जाता है कि दो ही प्रकार के इंसान हैं, एक तो वो जो ऐसे हीनियस क्राइम्स कर रहे और बाकी सब इनोसेंट, एंड वो कैटेगरी को लोग कहते हैं नॉट ऑल मेन। जबकि हकीकत ये है कि पूरा का पूरा एक स्पेक्ट्रम है। अगर एक साइड में सबसे इनोसेंट है और दूसरे साइड में गुनहगार है, क्रिमिनल्स है, तो इसके बीच में पूरा एक स्पेक्ट्रम है। अपनी बात को समझाने के लिए मैंने स्पेक्ट्रम को 5 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट कैटेगरी है मेन हु आर सेवियर, कि जिनके आसपास अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो वहां जाके उसको रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरा कैटेगरी, एक सेकेंड, जब मैंने फर्स्ट कैटेगरी मेन हु आर सेवियर रखा और इस बात से आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आप भी इस प्रॉब्लम में हिस्सेदार ज़रूर हो, क्योंकि वो फर्स्ट कैटेगरी नहीं है मोस्ट इनोसेंट साइड में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट कैटेगरी क्या है उसमें बाद में आता हूँ। मैन हुआ सेवियर सेकंड कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है पैसिव सेक्सिस्ट, और फोर्थ कैटेगरी है एक्टिव सेक्सिस्ट। एक्टिव सेक्सिस्ट वो है जो मानते हैं ये बात कि लड़कियाँ लड़कों से नीचे है, और पैसिव सेक्सिस्ट वो जिनके सामने अगर कोई सेक्सिस्ट बातें की जाए तो उसको इंटरवीन नहीं करते, उसको नहीं रोकते। या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है, ये कैटेगरी में लोग ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि वो सेक्सिस्ट या सेक्सिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और लास्ट कैटेगरी है वायलेटर्स और क्रिमिनल्स का, जिसमें सब कुछ आता है, थप्पड़ मारने से लेके एकदम एक्सट्रीम तक। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? मेन हु क्रिएट सेफ स्पेसेस। हमें समाज ऐसा नहीं बनाना है जहाँ पे प्रोटेक्टर की ज़रूरत हो, हमें समाज एक ऐसा बनाना है जहाँ पे प्रोटेक्शन की ज़रूरत ना हो। ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि रेप केसेस इसलिए होते हैं क्योंकि क्रिमिनल को डर नहीं है और जो लॉज है वो स्ट्रांग नहीं है। एक्चुअल कॉजेस क्या है वो समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने साइड से इमेजिन करने की कोशिश करिए। मान लीजिए दो भारत है, भारत 1, भारत 2। भारत 1 में एक हीनियस क्राइम की सजा है मान लीजिए 7 साल, भारत 2 में उसी क्राइम की सजा है लेट्स से 30 साल। तो क्या लगता है आपको कि गुनहगार गुनाह करने से पहले कोई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहा है कि हाँ 7 साल का है तो मैं कर लेता हूँ, 30 साल का है या फिर डेथ पेनाल्टी है तो मैं नहीं कर रहा हूँ? चलिए गेस मत करिए, ये एक रिसर्च पेपर है जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रेप के रूट कॉजेस क्या है बताता है, और ये एक बहुत लंबा स्टडी है, 2001 से लेके 2015 तक इसमें सारे स्टेट्स को कवर किया गया था और रेप के वेरियस फैक्टर्स के साथ कोरिलेशन निकालने की कोशिश की गई थी, जैसे कि एजुकेशनल बैकग्राउंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। और इस स्टडी की की फाइंडिंग्स है कि सोशल फैक्टर्स सबसे बड़े डिटर्मिनेंट है रेप के। सोशल फैक्टर्स यानी कि इन जनरल व्यू टूवर्ड्स वुमेन, और इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले है फीटेसाइड यानी कि भ्रूण हत्या। ये पाया गया कि जब जब फीटेसाइड एक यूनिट से भी बढ़ता है तब तब नंबर ऑफ रेप केसेस इंक्रीज होते हैं बाई 100%। फीटेसाइड क्या है? कि औरत को बोझ समझना कि लड़की पैदा हुई है तो इसको मार ही डालो। ये मेंटालिटी जहाँ पे ज्यादा है वहाँ पे रेप का इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। बाकी दो फैक्टर क्या है? एक है डाउरी,
और दूसरा है क्रुएल्टी टुवर्ड्स वुमेन, जिसकी परिभाषा है वो केसेस जो आईपीसी सेक्शन 490A के अंडर में रजिस्टर्ड होते हैं, जहाँ पे क्रुएल्टी ऑन वुमेन बाई हस्बैंड और सम अदर रिलेटिव। और भी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है इसमें, लोगों को लगता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट नहीं है इसके लिए रेप केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो एक वेरिएबल इसमें ये भी लिया गया था, नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि एक एरिया में नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन अगर ज़्यादा होंगे तो हम ऐसा सोचेंगे कि वहाँ पे शायद रेप केसेस कम होने चाहिए, लेकिन इस मॉडल में ये पाया गया कि ऐसा नहीं हो रहा है। पब्लिक आउटरेजेस हमारे देश में टाइम टू टाइम होता रहता है, 2012 में भी हुआ था, एंड जैसे मैंने पहले कहा कि स्पेसिफिक केसेस में वो डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी ये है कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हुआ है, हर साल नंबर ऑफ केसेस बढ़ ही रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो इस रिपोर्ट में है कि हम हमेशा मानते हैं ना कि एजुकेशन की कमी की वजह से ऐसे केसेस होते हैं, इस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा नहीं है। तो एजुकेशन के ऊपर मैंने और रिसर्च करने की कोशिश करी, एंड एजुकेशन की बात हो इंडिया में तो केरला का नाम आता है क्योंकि लिटरेसी रेट इतना हाई है, और इत्तेफाक से एक रिसर्च आर्टिकल केरला का भी है जहाँ पे नौजवानों का पर्सपेक्टिव लिया गया कि रेप के सोशल कल्चरल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। हालांकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टडी नहीं है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव इसमें रखा है ऑनेस्टली एंड एनोनिमसली। जैसे कि ये कुछ व्यूज है उस स्टडी से जहाँ पे लड़के ऐसा बोल रहे हैं कि इट इज अ सिग्नल दैट शी इज आस्किंग फॉर इट, जो कि क्लासिक केस ऑफ विक्टिम ब्लेमिंग है। बाकी अगर साइकोलॉजी ऑफ रेपिस्ट समझना है तो ये एक किताब है जो कि एकेडमिक वर्क है जिसको आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसे सरल भाषा में समझाऊं तो हम इस चैनल पे वो भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोगों ने कमेंट या डीएम किया तो एक दिन लाइव सेशन में उसको भी समझा जाएगा। बाकी एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन इन इंडिया के और स्पेसिफिक डेटा मैं आपको देता हूँ। ये है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो कि गवर्नमेंट पब्लिश डेटा है, और ये बहुत बड़े स्केल का सर्वे है। 6 लाख से ज़्यादा फैमिली के साथ ये सर्वे किया गया है, और इसमें एक पूरा का पूरा सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, जहाँ पे आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि 44% मेन जो इस सर्वे में पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई किया है। मैंने बोलने में गलती नहीं करी है और शायद आपने सुनने में भी गलती नहीं करी है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 44% मेन डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं इंडिया में। और इन जस्टिफिकेशंस के रीज़न और भी शर्मनाक है। फर्स्ट रीज़न कि वाइफ बिना घर में बताए बाहर चली जाती है। दूसरा रीज़न, वो अपने बच्चों का या घर का ख्याल नहीं रखती। तीसरा रीज़न, अपने पति के साथ आर्ग्यू करती है। चौथा रीज़न, रिफ्यूज टू हैव सेक्शुअल इंटरकोर्स। फिफ्थ रीज़न, डजंट कुक प्रॉपरली। सिक्स्थ रीज़न, कि पति को ऐसा लगता है कि उसकी वाइफ अनफेथफुल है। और लास्ट रीज़न, कि वो इन लॉज के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल है। और ये रीजंस या इनके कॉम्बिनेशन से लोग जस्टिफाई कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस को। एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन इज़ द मेन प्रॉब्लम। बचपन से ही कंडीशनिंग हो जाती है कि वुमेन के प्रति एक नेगेटिव एटीट्यूड, एक डाउनवर्ड एटीट्यूड हो जाता है, और वो नर्चरिंग का हिस्सा है। बचपन में, टीनेज में लड़के बात कैसे करते कि दैट गर्ल इज सो हॉट, कितनी माल लग रही है, काश एक बार। बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले तो बच्चे देख लेते, और एजुकेशन सिस्टम तो ऐसा है नहीं कि जहाँ पे इस सेंसिटिव टॉपिक पे एजुकेट किया जाए। पेरेंट्स के साथ भी ये डिस्कशन कभी नहीं होता है। इनफैक्ट पेरेंटिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसको देख के कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो कुछ लोग तो है जो बचपन की इस कंडीशनिंग से बाहर निकल आते, उसके कुछ कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि कोई लड़की उस लड़के की ज़िंदगी में आती है जो उसको सिखाती है कि कैसे लड़कियों के प्रति सेंसिटिव रहा जाए, कैसे बिहेव किया जाए। कभी कोई अच्छे टीचर्स मिल जाते, कभी कोई मेंटर्स मिल जाते, किसी अच्छी मूवी से इंस्पायर हो जाते, कोई अच्छी किताब पढ़ लेते, जिससे हमारे सोच का दायरा बढ़ता है और हम सेक्सिज्म के मेंटालिटी से बाहर निकल पाते। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होंगे ना जो इस सेक्सिज्म की मेंटालिटी से कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। वो लोग आज भी हमारे और आपके बीच में ही हैं, और ये मैं क्रिमिनल्स की बात नहीं कर रहा, ये सेक्सिस्ट कल्चर को एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी भी जो लोग नॉट ऑल मेन वाला गुणगान कर रहे हैं उनके लिए एक सिचुएशन है जो कि इमेजिनरी सिचुएशन है लेकिन काफ़ी रियलिस्टिक है क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। मान लीजिए एक लड़की है जिसको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़े रात को ट्रेन से। अगर आप लड़की है तो इमेजिन करिए ये आपकी कहानी है, और अगर आप लड़की नहीं है तो इमेजिन करिए ये आपके किसी दोस्त की, बहन की है, जो भी आपके करीब है उसकी कहानी है। तो रात को ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ रहा है,
और इत्तेफाक से उसके कोच में बाकी सारे लोग लड़के हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस लड़की को डर लगेगा उस सफ़र में? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये लड़की राइट विंग है, लेफ़्ट विंग है, मॉडर्न है, ट्रेडिशनलिस्ट है, फेमिनिस्ट है, एंटी फेमिनिस्ट है, नॉट ऑल मेन को सपोर्ट करती है, सनातनी है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्या उसको घबराहट होगा? क्या उसको डर लगेगा? इसका जवाब हम सबको पता है। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लड़की कमज़ोर है इसलिए उसको डर लग रहा है। लड़की सुपर स्ट्रांग हो सकती है, ओलंपिक वेट लिफ्टर हो सकती है, लेकिन फिर भी आज की डेट में अगर भारत में ऐसे ट्रैवल करना पड़े तो सिचुएशन क्या है आपको पता है। अब यहाँ पे जो वो 5 लड़के जो ट्रैवल कर रहे थे, वो चाहे नॉट ऑल मेन की कैटेगरी में आते हो, चाहे परपेट्रेटर्स की कैटेगरी में आते हो, उससे पहले जो ये डर का एहसास है, जो ये एहसास है कि मुझे कॉशियस रहना है कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, ये मेन प्रॉब्लम है। नॉट ऑल मेन में लोग प्राइड ले रहे कि क्या बेंचमार्क है कि हम क्रिमिनल नहीं है। सेफ स्पेस बनाना बेंचमार्क भी नहीं, सेफ स्पेस बनाना रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हम सबकी। बहुत बार होता है ना कि हम भीड़ में चल रहे होते और हमारा कोनी या कंधा किसी लड़की से लग जाए तो वो पलट के लुक्स देती है, तो लड़कों को लगता है कि ये क्या एटीट्यूड दिखा रही है। वो एटीट्यूड नहीं दिखा रही है, वो रिएक्ट कर रही है उस परसेप्शन के आधार पे जो उसके एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में या उसके दोस्तों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में। इसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साइड से वो एक एडिशनल स्टेप ले टू मेक देम फील सेफ। कुछ लड़के ऐसे बचकान बातें भी करते हैं कि अरे इनको इक्वालिटी चाहिए तो फिर ट्रेन में रिजर्वेशन क्यों चाहिए। जनरल में अकेले ट्रैवल इसलिए नहीं करती है क्योंकि वहाँ पे सेफ नहीं फील करती है। इसके लिए ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी लेना पड़ता है और आपको और हमें सामने से लेना पड़ेगा। मैं अपना एक केस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो मैं टोरंटो में था, वहाँ पे स्ट्रीट फोटोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म बहुत ही वेलकम्ड है, एक्सेप्टेबल है, सोशली एक्सेप्टेबल है। तो बहुत कॉमन है कि वहाँ पे फोटोग्राफर्स लोगों की फ़ोटो खींचते, बिल्डिंग्स की फ़ोटो खींचते, कोई पार्क में बैठ के गिटार बजा रहा है, कोई वॉक कर रहा है, उसकी फ़ोटो खींचते। इंडिया में अगर स्ट्रीट फोटोग्राफी में आप लोगों की फ़ोटो खींचोगे, स्पेशली वेमेन की फ़ोटो खींचोगे, तो एक सेंस ऑफ डिसकम्फर्ट रहता है। इवन दो फोटोग्राफर अपने हिसाब से तो बस आर्ट पे फोकस कर रहा है, लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है तो वो एक सेंस ऑफ डिसकम्फर्ट, एक इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने साइड से वो एडिशनल स्टेप लेके सेफ स्पेस क्रिएट करें। इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग नॉट ऑल मेन, इट इज़ अबाउट बीइंग द पर्सन हु इज़ क्रिएटिंग सेफ स्पेस फॉर एनीवन। हमें एक ऐसा दुनिया बनाना है जहाँ पे वल्नरेबिलिटीज पे अटैक करने की टेंडेंसी को ख़त्म करना है। और लास्ट में इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँगा इस फोटो के साथ, जो कि बहुत ही प्यारा स्ट्रीट आर्ट है और आई थिंक प्रोटेस्ट में किसी ने बनाया है, बैन रेप कल्चर। और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऑल्सो एबॉलिश द कल्चर ऑफ सेक्सिज्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। इस चैनल में हम फिलोसॉफी, सोशल इशूज़ और क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड ऐसे ही इन डेप्थ वीडियोस पे डिस्कशन, ऐसे ही इन डेप्थ टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं। एंड अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज शिवम साइनिंग आउट। नमस्ते।